हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ समरीन और मैं हूँ तहुरा। तो आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ ईटर्स। तो चलिए देखते हैं। अरे बेटा, कितने दिनों बाद आई हो आज तुम घर? आंटी को तो तुम भूल ही गई। अरे नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो मैं थोड़ी सी बिजी हो गई थी तो इसलिए आना जाना कम हो गया। अच्छा चलो तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। अरे नहीं आंटी, कुछ मत लाइए आप, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे बेटा तुम चुपचाप बैठो, मैं ला रही हूँ। ये लो बेटा पिज्जा खाओ। अरे आंटी इसकी क्या जरूरत थी, मैं अभी घर से खा कर ही आई हूँ। अरे बेटा खाओ, एक तो तुम आती नहीं हो यहाँ और जब आती हो तो कुछ खाती भी नहीं। अरे ये कौन आ गया अभी, नजरा देख कर आती हूँ, तुम खाओ। बहुत दिन हो गए थे पिज्जा खाए हुए, तो मजा आ गया। कैसा है बेटा पिज्जा? आंटी बहुत अच्छा है, और खाओ बेटा। नहीं नहीं आंटी, बस अब नहीं खाऊंगी। ये लो खाना, हर वक्त बैठी रहती है, मुझे काम करना पड़ता है सारा। खाना तो आ गया लेकिन ये टीवी का रिमोट कहाँ है? तुझे तो पता है ना कि मैं बिना टीवी देखे हुए खाना नहीं खाती। पता नहीं कहाँ है ये टीवी का रिमोट, अब तू जा जल्दी से टीवी का रिमोट ढूंढ। तेरे पीछे तो है। ये मेरे पीछे था और मैं कब से ढूंढने जा रही हूँ। टीवी देखकर खाने में तो मजा ही कुछ और है। ये क्या मजाक है शकुंतला, इतना सा खाना? ये क्या मुर्गी के लिए लाई हो क्या? हद है शकुंतला, इतना सा खाना मैं कैसे खाऊंगा? अरे आप चिंता मत करिए, मैंने आपके लिए बहुत सारा खाना बनाया है। 26 कटोरी खीर है, 40 पैकेट ब्रेड मंगवाए हैं और 5 कढ़ाई मैंने सब्जी बनाई है और 7 किलो चावल बनाए हैं। चलो फिर तो ठीक है, मैं तो वरना सदमे में ही आ गया था कि इतना सा खाना। और अब आप पूछेंगे कि रोटी इतनी कम क्यों है, तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि आटा खत्म हो गया था सारा, क्योंकि सुबह तो आपने 50 पराठे खाए थे, याद है या नहीं? तो इसलिए आटा खत्म हो गया। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने 40 पैकेट ब्रेड पहले मंगवा लिए थे, नहीं तो पता नहीं आपका भी क्या होता। चलो कोई बात नहीं, ब्रेड तो है ना। एक बात बताऊं आपको, हमारे सारे रिश्तेदार ना आपको अपने घर पे बुलाना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें पता है ना कि उनका एक महीने का राशन एक दिन में खत्म हो जाएगा। आ भी तो रहा है बाहुबली। सब्जी अच्छी बनी है। चलिए आप कॉन्सेंट्रेट करिए अपने खाने पे, मैं आपके लिए और लेकर आती हूँ। हाँ हाँ जल्दी जाओ, जल्दी और लेकर आओ। बहुत खा लिया मैंने, उठा भी नहीं जा रहा, ऐसा लग रहा है जैसे अब पेट फटने वाला है। बहुत खा लिया मैंने आज। तो इतना खाती क्यों है, मुझे तो ये बात समझ नहीं आती। छी, इतनी गंदी स्मेल है। सुनो मम्मा, जरा मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवा दो। पहले तो हैवानों की तरह खा लेती है और फिर बोलती है मम्मा कोल्ड ड्रिंक मंगवा दो। कोल्ड ड्रिंक चाहिए अभी ने, कितनी बार बोला है कि अपने पेट पे भी तरस खा लिया कर, लेकिन नहीं इन्हें तो खाना है बस। बताओ जरा कोई इतना खाता है जो ऐसी हालत हो जाए, उठा नहीं जा रहा है चेयर पे से। नेक्स्ट टाइम से मम्मा मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगी, अभी आप कोल्ड ड्रिंक मंगवा दो, मैंने बहुत खा लिया है, लगता है एसिडिटी हो गई है। ठीक है ठीक है, जा रही हूँ लाने। हम तो ऐसे हैं भैया। अरे मम्मा सब्जी में तो नमक बहुत कम है। मुझे खीर ही खाना पड़ेगा। चुप, खाने में कमियां निकालने के अलावा तुझे कुछ आता नहीं है? जब भी खाना खाती है उसमें कमियां निकालती है। एक तो इनके लिए पूरे दिन किचन में रहो, परेशान हो, इनके लिए खाना बनाओ, और ये है कि बस खाने में कमी निकालती रहेगी। अगर तुझे इतना ही बुरा लगता है ना खाना, तो कल से खुद पकाना अपने लिए, समझ गई ना? खाने में कमी तो बताऊंगी, मम्मा बिना फालतू में मुझे बोल दिया। ये लो जी पिज्जा खा लो। अरे वाह पिज्जा,
लो हो गई अब इनकी चपड़ चपड़ शुरू। सुनो जी, बिना आवाज की आपके मुंह के अंदर खाना नहीं जाता क्या? बताओ, इतना कोई खाने टाइम अपने मुंह से आवाज निकालता है क्या? पड़ोसियों को ही पता चल जाता है कि आप खाना खा रहे हैं। एक बार तो उन्होंने मुझसे कंप्लेन भी करी थी कि जरा आप अपने हस्बैंड को बोल दीजिएगा कि थोड़ा धीरे खाया करें, और हमेशा मुझे आपके खाने के टाइम ईयरफोन लगाना पड़ता है। टीवी तो मैं देख नहीं सकती। क्यों, टीवी क्यों नहीं देख सकती? अरे, आपकी इस चपड़ चपड़ से मुक्ति मिले तभी तो कुछ सुनाई देगा। अब आप खाओ आराम से चपड़ चपड़ करके, मैं तो ये सुन नहीं सकती। मुझे तो कभी आवाज नहीं आती खाने टाइम। चलो एक बार जरा चेक कर लेता हूँ आवाज आती भी है या नहीं। ऐसी तो कोई आवाज नहीं आ रही। छोड़ो, वो तो पागल है, उसे तो सबसे ज्यादा सुनाई देता है। आहा, कितना टेस्टी खाना लग रहा है। मैं खुद खाने से पहले अपने इंस्टाग्राम को खाना खिला देती हूँ। वाओ, कितनी अच्छी फोटो आई है। पोस्ट, चलो फिर खाना खा लेती हूँ। खाना तो ठंडा हो गया। ओफो, अभी तो गरम करके लाई थी। अब फिर से गरम करके लाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, मेरा मेन काम तो पूरा हुआ। सुनो बेटा, खाना खा लेना और पूरा खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है? मैं थोड़ा बाहर से आती हूँ, मुझे कुछ काम है। ठीक है, मैं खा लूंगा, आप जाओ। ठीक है। अभी तक तेरा खाना खत्म नहीं हुआ? कछुए से भी धीमी चाल है इसकी। मैं बाहर से भी आ गई, इसका खाना खत्म नहीं हुआ अब तक। मम्मा, खाना ही तो खा रहा हूँ मैं कब से। क्या करूँ, मुझे स्लो मोशन में ही खाना पसंद है। मैं मजे ले लेकर खाता हूँ। हर एक बाइट में ना मैं खाने के टेस्ट को परखता हूँ। चुप, बड़ा आया खाना परखने वाला। अब जल्दी जल्दी मुँह चला और खत्म कर इसे, कछुआ कहीं का। तुझे तो पता है ना मेरे मुँह में एक भी नवाला। नवाला। अरे खाना तो आ गया, लेकिन टीवी का रिमोट कहाँ है? ये बात तो नहीं है। सुनो बेटा, ज़्यादा स्लो नहीं हो गया? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। सबके पास वाले बेल बटन को क्लिक कर दीजिएगा, जब भी वीडियो मिला है तो सबसे पहले पता चल जाएगा। और इस वीडियो पर हम एम करते हैं 30,000 लाइक। तो प्लीज अभी के अभी आप लोग लाइक कर दीजिए। आप लोग इतने अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करते हैं लेकिन लाइक कम आते हैं बहुत। लेकिन इस बार प्लीज हमारा एम जरूर पूरा करिएगा, 30,000 का एम है। तो आप लोग प्लीज अभी के अभी लाइक कर दीजिए, और लाइक करे बिना तो जाइएगा ही नहीं। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग किस टाइप के ईटर हैं। और आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोगों को सबसे अच्छा ईटर कौन लगा। और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो अब हम दोनों मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।